समस्त टीम की संदेश को आप जन जन तक पहुंचाने में सहयोग करेंगे और इस नाटक को ध्यान से देखें। क्या हो गया, तुझे सामान दे दिया? अरे सामान बता, साबुन सरफ मंगाया था क्या? दे दिया? अरे सेठी, मैं तो बिल्कुल देख परख के दिया है। क्या हो गया शांति, सामान तो सही है? दादाजी सामान तो सही है, लेकिन आपने जिसमें सामान दिया है वो सही नहीं है। मतलब? अरे लाला जी, इस पन्नी का इस्तेमाल भी कर रहे हो, आपको नहीं पता क्या कि पन्नी बैन हो गई है? शांति, ऐसी कोई बात है जिसके बारे में लाला को ना बताओ? भाई अच्छे से बताए कि 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक सख्ती से बैन हो गई है, फिर भी लाला ने सेटिंग से पन्नी मंगा के दुकान में रख ली है। चुपचाप चुपचाप सामान दे रहा अपने खास ग्राहकों को, बागियों से तो थैला लाने की कही देंगे। बाकी तू चिंता मत कर, तू तो अगर एक साबुन की टिक्की भी लेने आएगी तो 5 किलो की पन्नी नहीं दूंगा। अरे लाला का चालान ना हो सकता है? लाला बड़ा समझदार है, लाला के दिखाए चालान होगा नहीं, चालान हो चुका है, हो चुका, हो चुका है। इसका कल मैंने तो मोटरसाइकिल चलाई ना। अरे मोटरसाइकिल चलाने का चालान नहीं है, ये जो आप सिंगल यूज प्लास्टिक यूज कर रहे हो ना, जो सरकार ने बैन कर दिया है, ये उसका चालान है और ये भी पूरा 5,000 का है। अरे भाई साहब, आपको कोई गलत बहन हुई है? ये मेरी है ना, ये तो शांति, ये क्यों शांति? अरे नहीं नहीं लाला जी, ये तो हमारी पन्नी है, इसको मैंने ही तो दिया था। देखा, ये आपका जो लड़का है ना बहुत ज्यादा समझदार है, मगर शक्ल से इतना समझदार लगता नहीं है। अरे शक्ल का क्या है भाई साहब? भाई साहब मैं क्या कहता हूँ कि इस बार माफ कर दो, अगली बार मेरी तोबा, मेरे बाप की तोबा पन्नी को हाथ पे लगा दूं तो। अभी तो आप 5,000 का जो ये जुर्माना है ना, ये भर दीजिए। अगर अगली बार से आपकी दुकान पे अगर मैंने पॉलिथीन देखी या प्लास्टिक का कोई भी सामान देखा तो मैं सीधा 10,000 का जुर्माना करूंगा आप पे। जा भाई जग्गू, भाई साहब की बात मेरे समझ में अच्छे से आ गई ना, 5,000 दे दे गले में से। जाइए भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे तू तो बोल मत, सही कहते हैं बड़े बूढ़े औरतों के चक्कर में पड़ नहीं ना चाहिए। चालान करवा दिया मेरा, नजर लगा दी दुकान को। भगवान, सुबह सुबह किस मनुष्य का चेहरा देखा था? किसी का देखा था? अबे ले जा कहीं अंदर रख दे, आज के बाद दुकान में पन्नी देख ली ना तो मेरा जूता तेरा सर। अंदर और सुन इधर, तूने साफ सफाई तो सारी कर दी, कूड़ा कहाँ है? कूड़ा कूड़ा पीछे ही है, कूड़ा इकट्ठा हो गया बहुत सर। कहाँ फेंकेगा कूड़ा? कहाँ फेंकूंगा? अबे जाके शांति के घर के आगे डाल। अबे उसने लगा के चालान करवाया, आज उसके घर के आगे कूड़ा फेंक के कलेजे को ठंडक मिलेगी, वहीं फेंक जाके। अरे सेठ जी, क्यों शांति फैलाना चाहते हो? अबे शांति फैलेगी, आज युद्ध हो जाए, आज तो कूड़ा वहीं डलेगा। सोच लिया? मैं सुबह ही सोच लिया था बेटे, 7 बजे का टाइम है मेरा सोचने का।
आज शांति के घर के आगे ऐसा कूड़ा फैलाऊंगा पूरे मोहल्ले में, शांति फैलवा दूंगा। आई बड़ी चालान करवाने वाली। पंछी बनो उड़ती फिरो अपनी दुकान की तो सफाई कर दी और सारा का सारा कूड़ा लाकर मेरे घर के बाहर फेंक दिया। आज इन दोनों मालिक और नौकर को मैं छोड़ूंगी नहीं। जग्गू, अरे ओ जग्गू। हाँ शांति जी, अपने मालिक को बुला। मुझे पता नहीं है कि मैं सुन लेता हूँ, कान पे चिल्लाता है। क्या बात है, आदत हो गई चिल्लाने की। आपको शांति ने बुलाया? सर आ जाओ, इधर आ जाओ। अरे तुमने बुलाया और लाला चलाया। मैंने आपको आपके नौकर की वजह से याद किया है। भगवान भला करे। अरे लाला जी, इसे समझाते क्यों नहीं हो? क्या कर दिया इसने? अरे आपकी दुकान की तो सफाई कर देता है और कूड़ा लाकर मेरे घर के बाहर फेंक देता है। अरे ये तो मेरे कहने से ही डाला है इसने। तो शांति क्या है कि भैया पार्क हो, नाली हो, सड़क हो, गली हो या किसी के घर के सामने का इलाका, भाई हर नागरिक का बराबर का हक है। तो इतनी अच्छी जगह छोड़ के कूड़ा और कहाँ डलवाए, तो यहाँ डलवा दिया। अरे लाला जी, अपनी दुकान में कूड़ेदान क्यों नहीं रख लेते तुम? लो भाई कर लो बात, आज तक हमने घर में तो कूड़ेदान रखा नहीं, दुकान में तो जब रखेंगे। अरे लाला जी ने मुझे रखा तो है कूड़ा फेंकने के लिए। बेटा अपने मुंह से इतनी तारीफ अच्छी नहीं लगती। अरे बेटा सरी डस्टबिन जैसा होने से थोड़ा ही का सोच भी ऐसी रखो। नाला कहेगा ऐसा है शांति कि वो कूड़ा तो यही डलेगा। ऐसे कैसे डल जाएगा? ऐसे कैसे डल जाएगा? ऐसे उठेगा, ऐसे डल जाएगा। अरे क्या हो, शांति की लड़ाई हो रही है? अरे कुछ नहीं डॉक्टर साहब, जरा सा कूड़ा क्या डाल दिया मेरे चक्कू ने, आई बड़ा समझाने वाली, सुबह चालान करवा दिया और अब ध्यान दे रही है। अरे सेठ जी, ये कूड़ा अगर आप यहीं पर डलवाओगे तो बीमार भी तो आप ही पड़ोगे। हम बीमार पड़ेंगे? अरे बीमार पड़ेंगे, गुलाबी दुपट्टे वाले हम बीमार। अरे सेठ जी, कूड़ा आपके आसपास रहेगा तो यहाँ पर मक्खियाँ बैठेंगी इस पर, और यही मक्खियाँ तुम्हारी खाने वाली चीज पे जाके बैठेगी, तो बीमार तो आप पड़ोगे ना। पॉइंट तो है डॉक्टर साहब, आप पड़ोगे, हम नहीं पड़ेंगे। अरे डॉक्टर साहब, तुम भी बीमार पड़ जाओगे। कूड़ा इधर उधर नहीं डालना चाहिए आपको, तो अपने दुकान में दो डस्टबिन बनाने चाहिए। लो भाई कर लो बात, एक आई थी समझाने घर में, एक कूड़ेदान बनवाने के लिए यहाँ है, तो इस तरह तो पूरा मोहल्ला आ गया, तो मेरी कूड़ेदान की दुकान बन जाएगी। कूड़ा ना दो प्रकार का होता है, एक होता है गीला कूड़ा और एक होता है सूखा कूड़ा, इसलिए दो कूड़ेदान चाहिए। ये गीला कूड़ा सूखा कूड़ा भला क्या है, समझाइए तो सही। जो गीला कूड़ा होता है उसे डालो आप हरे रंग के कूड़ेदान में। अच्छा। वो जो कूड़ा होता है जैसे फल के छिलके, प्लास्टिक फल के छिलके, सब्जियों के छिलके, बची चाय पत्ती, रात का बचा हुआ खाना, जो किचन का जो कूड़ा होता है उसे कहते हैं गीला कूड़ा, और इनसे बनाई जाती है खाद। और जो सुबह खाली है ना वो, तो इनकी बनती खाद तो कूड़े का भी निपटारा हो जाता है और खाद बन जाती है, तो पेड़ पौधे में डल जाएगी खाद। बहुत बढ़िया। और जो सूखा कूड़ा होता है प्लास्टिक, कागज, लोहा, कांच, इन्हें कबाड़ी को भेज दो, रिसाइकल लोगों के पास वापस जाएगा। डॉक्टर साहब मतलब गीले कूड़े की बन जाएगी खाद, सूखा कूड़ा चला जाएगा, रिसाइकल होने मतलब कूड़ा खत्म, कूड़े का पहाड़ खत्म, कूड़े का झगड़ा खत्म। अजी मैं कहता हूँ सारा लगवाई खत्म। अरे मैं तो कहता हूँ सेठ जी खत्म। यहाँ बेटा इधर आ। देख बेटा तेरा ह्यूमर कमाल का, इसमें थोड़ी सेंस ओवर डाल दे, सेंस ऑफ ह्यूमर हो जाएगा। चुपचाप ऐसा है डॉक्टर साहब, ये गीला कूड़ा सूखा कूड़ा तो आपने बता दिया, अब एक बात बताइए, घर में मोबाइल का चार्जर, यूपीएस या कोई बैटरी खराब हो जाए तो उसे गीले कूड़े में डालें या सूखे कूड़े में?
उसे कहते हैं ई वेस्ट, और इसके लिए अलग से कूड़ेदान बनाओ, या जब भी कूड़े वाली गाड़ी आए तो उनको बताओ कि इसमें ई वेस्ट है, क्योंकि कई बार क्या होता है बैटरी होती है, सेल होते हैं, वो ना ब्लास्ट हो जाते हैं, तो उनसे निकलने वाले केमिकल से आसपास का वातावरण खराब हो जाता है, जो हमारे लिए बहुत ही बेकार है। अच्छा समझ गया डॉक्टर साहब, एक गीला कूड़ा, एक सूखा कूड़ा, एक ई वेस्ट, और मेरी नजर में तो एक वेस्ट होता है, बताओ कौन सा वाला? एक वेस्ट होता है छी वेस्ट, वो गाय जगह जगह गोबर कर देती जिसे देख के निकलता है छी, वो वाला छी वेस्ट है। अरे कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, आज ही जाके ना मैं दो कूड़ेदान मंगाता हूँ, चुप बेटा, दो कूड़ेदान ले आ। अरे मैं तो कहता हूँ तू चार ले आ, तो शांति को भी दे देंगे। वाह आपकी दरिया दिली, डॉक्टर साहब ठीक है, नमस्कार। और शांति ये गुस्सा गुस्सा जरा कम किया कर, ये धूप निकल रही है इसकी वजह से पारा हाई रहता है इंसान का, अब मैं समझ गया हूँ, आज के बाद कूड़ा कूड़ेदान में सिंगल यूज प्लास्टिक बंद, और तो और पड़ोसी है तो पड़ोसी के जैसे रिश्ते अच्छे से निभाए जाएंगे। चलता हूँ जरा, वैसे इस बात में मुझे गाना याद आ रहा है कि इधर उधर ना डालो कूड़ा फैलेगी बीमारी, इधर उधर ना डालो कूड़ा फैलेगी बीमारी, साफ सफाई रखोगे तो भागेगी बीमारी, साफ सफाई रखोगे तो भागेगी बीमारी, ओ भैया भागेगी बीमारी, बहना भागेगी बीमारी, भैया भागेगी बीमारी। तो ये तो एक छोटा सा नाटक जो दिल्ली नगर निगम DMSWSL के सौजन्य और रैंकी फाउंडेशन के सहयोग से यहाँ दिखाया गया, उम्मीद करते हैं संदेश आप तक पहुंचा होगा, आप इस संदेश को जन जन तक पहुंचाएंगे, और अपना कीमती वक्त आप सभी ने दिया इसके लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। चलते इस नाटक के साथ फिर मिलेंगे नए जोश नए नाटक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।